एनसीबी के द्वारा गुजरात से पकड़े गए ड्रग्स तस्करी के आरोपी के मौत के मामले में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। ड्रग तस्करी में पकड़ाए गए अभिषेक जैन को जेल से बाहर निकालने के लिए आरोपी की मां सीमा जैन ने ही कोविड का फायदा उठाते हुए पूरी प्लानिंग की थी। मां ने खुद ही जेल में जाकर अपने बेटे की मौत का प्रमाण पत्र दिया था, जिसके कारण जेल प्रबंधन भी धोखा खा गया। पुलिस ने अभिषेक और उसकी मां सीमा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। ड्रग तस्करी के मामले में अभिषेक को 2019 में 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोविड के दौरान आरोपी पैरोल पर बाहर आया था और तभी उसकी मां ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का आइडिया दिया था। इस पर आरोपी गुजरात चला गया और दोस्त से मुक्ति धाम की फर्जी रसीद के जरिए डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर माँ को भेज दिया। वहीं पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि अभिषेक की मृत्यु हो चुकी है। इंदौर के सेंट्रल जेल में अभिषेक की मां खुद बेटे का डेथ सर्टिफिकेट देने गई थी। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में मदद करने वाले दोनों आरोपी रिंकू और नौसाद अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। एनसीबी ने गुजरात पुलिस की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले ही गुजरात पुलिस ने एनसीबी इंदौर से संपर्क कर आरोपी के जीवित होने की जानकारी दी थी। एनसीबी के जोनल अधिकारी ब्रजन चौधरी ने बताया कि 2011 में देवास नाके के पास से 830 ग्राम मादक पदार्थ के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय पकड़ी हुई ड्रग्स की कीमत करीब 80 लाख आंकी गई। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 2019 में 12 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया गया था और आरोपी अभिषेक जैन को भी इसी मामले में 12 साल की सजा सुनाई गई थी।